फटा 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। आतंक से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के पास नए हथियार आ रहे हैं, नए अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, और इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर पुलिस को ऑपरेशंस कमांड व्हीकल दिए गए हैं, जो कि आतंकवाद विरोधक अभियान में काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। मेरे पीछे आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं, इनको ब्लैक पैंथर कहा जाता है। ये ऑपरेशंस कमांड व्हीकल है। जब भी आतंकवाद विरोधक अभियान चलेगा तो उस समय इन गाड़ियों की सहायता ली जाएगी और इससे आतंक पर प्रहार किया जाएगा। और इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर पुलिस को ऑपरेशंस कमांड व्हीकल दिए जा रहे हैं, जिनका नाम ब्लैक पैंथर है। और ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवाद विरोधक अभियानों में काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। इस समय मैं मौजूद हूं उसी ब्लैक पैंथर गाड़ी के अंदर। ये एक बख्तरबंद गाड़ी है और इसकी खासियत ये है कि इस गाड़ी में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमराज फिट किए गए हैं, 14 सीसीटीवी कैमराज है, और साथ ही में पीटीजेड कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा भी फिट किया गया है। यानी कि जहां पर भी आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, सुरक्षा बलों के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर बैठ सकते हैं। एक तरह का ये मिनी वॉर रूम है और यहां से उस पूरे क्षेत्र का वो मुआयना कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर इस समय इस गाड़ी के अंदर एक ऑपरेटर हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि कैसे ये कैमराज ऑपरेट करते हैं। इस गाड़ी के अंदर ये बैठे हैं और इनको मैं कहूंगा कि 360 डिग्री व्यू दिखाइए। देखिए, आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री व्यू, यानी कि इस पूरे समूचे इलाके का व्यू हमें मिलता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी कुछ हरकत हो रही है, कोई भी कुछ कर रहा है, वो हमें बिल्कुल यहां से दिखाई दे रहा है। तो ये आतंकवाद विरोधक अभियानों के दौरान काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। स्क्रीन लगे हैं, यहां से मॉनिटरिंग हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब आतंकवाद विरोधक अभियानों में किया जा रहा है। और साथ ही में जो सीसीटीवी कैमराज है उनकी फुटेज इन छोटे छोटे स्क्रीन्स पर देखी जा सकती है। पूरा अत्याधुनिक ये गाड़ी है और ऐसी गाड़ियां जम्मू कश्मीर पुलिस को अब मुहैया करवाई गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा, ये देखिए, ये 360 डिग्री व्यू कैमरा है। इसको ऊपर भी ले जाया जा सकता है, ऊंचाई पर भी, और जितनी ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है उतने ज्यादा अधिक एरिया में हम इस गाड़ी के अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आतंकवाद विरोधक अभियानों में अब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये गाड़ियां मुहैया करवाई गई हैं ताकि उन अभियानों में उनको सफलता मिले। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे आगे हैं। चाहे कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, और सुरक्षा बल बड़े ही कोऑर्डिनेशन के साथ आतंकवाद विरोधक अभियानों में काम करते हैं। चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो। तो उसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बख्तरबंद गाड़ियां दी गई हैं, जिनको कि ब्लैक पैंथर कहा जाता है। ये कोई साधारण गाड़ियां नहीं है, इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही में इसमें सीसीटीवी कैमराज हैं, 360 डिग्री व्यू कैमरा लगाए गए हैं, और कहीं पर भी जहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है उस समूचे क्षेत्र का मॉनिटरिंग इस गाड़ी के अंदर बैठकर किया जा सकता है। तो एक तरह से मिनी वॉर रूम है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं ताकि आतंकवाद से लड़ने में सुरक्षा बलों को सफलता मिले। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिदेशक है दिलबाग सिंह, कल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में आतंकवाद विरोधक अभियानों में तेजी आएगी और आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।